અમદાવાદના મોટેરા સ્ટેડિયમમાં 1 લાખથી વધારે લોકોની બેસવાની વ્યવસ્થા છે. આ ઉપરાંત પ્રેક્ષકો માટે પણ સ્ટેડિયમમાં ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબોર્નમાં આવેલા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ અત્યાર સુધી દુનિયાનું સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ માનવામાં આવતું હતું. તે સ્ટેડિયમમાં લગભગ 90 હજારની બેઠક વ્યવસ્થા છે, જ્યારે અમદાવાદના મોટેરા સ્ટેડિયમમાં તેનાથી પણ વિશાળ બનાવવામાં આવ્યું છે. કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરેલા આ સ્ટેડિયમમાં જ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો વિશાળ કાર્યક્રમ યોજાશે, જેને લઈને પોલીસ દ્વારા વિશેષ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. क्रिकेट स्टेडियम में आप सबका स्वागत है. यहाँ पे 1,80,000 स्क्वायर मीटर के कंस्ट्रक्शन एरिया से बना हुआ है, जो 64 एकर्स में फैला हुआ स्टेडियम है. ये इसकी कैपेसिटी 1,10,000 के लोगों को एकोमोडेट करने की है. अभी ये स्टेडियम फिलहाल पूरी तरह से गियर्ड अप है ट्रंप प्रेसिडेंट की स्वागत करने के लिए, और सारे हर तरीके की तैयारी यहाँ पे की गई है. गुजरात के प्रोमिनेंट सारे गुजराती सिंगर्स को भी यहाँ बुलाया गया है कि वो भी अच्छे से एक परफॉर्मेंस करेंगे, और हिंदी के लिए कैलाश खेर को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, जिनका परफॉर्मेंस भी यहाँ पर होगा. गुजराती सिंगर्स में से पुरुषोत्तम उपाध्याय, पार्थिव गोहिल, कीर्तिदान गढ़वी, किंजल दवे, साईराम दवे और काफ़ी अन्य कलाकार गुजरात में से भी आने वाले हैं, जो यहाँ पे परफॉर्मेंस देंगे. ये ट्रंप के स्वागत का इवेंट है. मेरे ख्याल से नमस्ते ट्रंप इसका नाम दिया गया है, और ये पूरा कार्यक्रम प्रेसिडेंट ट्रंप के स्वागत में किया गया है. यहाँ दोनों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफ अमेरिका और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री, दोनों की उपस्थिति में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का जो आयोजन है उसके लिए संपूर्ण सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं. न केवल स्टेडियम पर अपितु जो कॉन्वॉय जिस रोड से पास होगा वहाँ भी काफ़ी लोग उनका अभिवादन करने के लिए उपस्थित रहेंगे, वहाँ भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं.